Dear students, welcome to learning management system of SAT. आज हम टेस्ट डिस्कस करने जा रहे हैं टेस्ट नंबर 12, जो कि चैप्टर नंबर 6 में से है. Dear students, पहला क्वेश्चन है identify the paramagnetic cation. पैरामैग्नेटिक होता है विच इज अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, और पैरामैग्नेटिक कैटाइंस के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अब अगर हमारे पास ग्रुप 2B या 3B का कोई मेंबर होगा तो वो नॉन टिपिकल होते हैं, उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते. जिंक और मरकरी का ताल्लुक ग्रुप 2B से है, इसका मतलब ये नहीं हो सकते. कॉपर +2 आंसर होगा अल्फा. जो कॉपर +1 है वो D10 सिस्टम है, उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है. क्वेश्चन नंबर 2, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस सेंट्रल एटम हैज 0 ऑक्सीडेशन स्टेट. ये स्टूडेंट्स, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 तब होती है जब न्यूट्रल लिगेंड लगे हुए होते हैं और स्फीयर के बाहर कुछ नहीं होता. तो आंसर डी बनेगा, क्योंकि डी में स्फीयर के बाहर कुछ नहीं है और CO एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो ये आंसर बन गया डी. क्वेश्चन नंबर 3, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव. अब इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक्टिनाइड्स होती हैं, लेंथेनाइड्स होती हैं. ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में N-2 होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में N-1 फिलिंग में होता है, तो ये सी आंसर बनेगा. क्वेश्चन नंबर 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कॉइनेज मेटल्स. कॉइनेज मेटल ग्रुप 1B है, ग्रुप 6B में 4 होते हैं डी में इलेक्ट्रॉन और ग्रुप 1B में 9 होते हैं, तो इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन जंप करके एस से डी में चले जाता है. यानी अगर छठा ग्रुप होगा तो डी में 5 हो जाएंगे और अगर 1B होगा तो डी में 10 हो जाएंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, डी 10 होगी, क्योंकि कॉइनेज मेटल्स हैं, 1B है, 1B है, तो डी 10 सिस्टम होगा. ये आंसर डी बन जाएगा, क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन एस से डी में जाएगा तो एस में एक रह जाएगा, दो नहीं बचेंगे. क्वेश्चन नंबर 5, एलिमेंट दैट एग्जिबिट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट. सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट Mn की होती है, जो कि 7 है. Mn से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसी की नहीं है. 6, बाइंडिंग एनर्जी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू. बाइंडिंग एनर्जी का तल्लक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से होता है. जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी. क्वेश्चन नंबर 7, अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द स्पीशी विद +1 ऑक्सीडेशन स्टेट. अल्फा जो है ये +7 है, बीटा +4 है, चार्ली +3 है और डेल्टा +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्योंकि 2 क्लोरीन पर -2 और 2 ऑक्सीजन पर -4, तो इन पे मिला के -6 है. 0 करने के लिए क्रोमियम पे +6 होगी. 8, हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर देयर इन निकल. अगर लिकन की कॉन्फ़िगरेशन देखें तो देखें 4s2 3d8, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन 4 बनते हैं. ये डी में 2 हैं, सॉरी 2 बनते हैं, डी में 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है. और जब निकल +2 में होगा, क्योंकि +2 में उसने पूछा है, तो 2 एस वाले इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, अनपेयर्ड फिर भी 2 ही रहेंगे डी वाले, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ. विच इज बायडेंटेट लिगेंड, हाइड्राजीन बायडेंटेट लिगेंड है, क्योंकि ये NH2 होता है, इसका मतलब 2 नाइट्रोजन है,
दोनों पे लोन पेयर है, ये दो जगह से इलेक्ट्रॉन दे सकता है बीटा। देन ऑल आर नॉट किलेटिंग एजेंट एक्सेप्ट, किलेटिंग एजेंट क्या होते हैं कि अगर बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड मेटल के साथ जुड़े तो रिंग बन जाती है, और रिंग वाले कम्प्लेक्सेस ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो इसमें ऑक्सालेट आयन है क्योंकि वो बाइडेंटेट लिगेंड है। किलेट मोनोडेंटेट लिगेंड नहीं बना सकते, अमोनिया मोनोडेंटेट, कार्बोनिल मोनोडेंटेट और हाइड्रोक्सिल आयन भी मोनोडेंटेट है। तो ये देखें, ये हमारे पास ऑक्सालेट आयन है, ऑक्सालेट आयन ने ये यहां से भी बांड बनाया, यहां से भी, यानी बाइडेंटेट है और रिंग बन गई है। इधर से भी ऑक्सालेट आयन ने बाइडेंटेट लिगन के जरिए रिंग बना दी है, तो इसका आंसर सी होगा। 11 ज्योमेट्री, ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करती है। देखिए अगर हाइब्रिडाइजेशन एसपी हो तो लीनियर, ट्राइगोनल प्लेनर हो तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, टेट्राहेड्रल हो तो sp3, स्केयर प्लेनर हो तो dsp2, ट्राइगोनल बायपिरामिडल हो तो dsp3 और ऑक्टाहेड्रल हो तो d2sp3। तो ये हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करेगी बीटा। आइडेंटिफाई द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द कोवलेंट रेडियाई, हमें पता है कि अक्रॉस द पीरियड रेडियस कम होता है, तो अगर हम पूरा पीरियड लिख लें, ये पोटेशियम से शुरू होगा और फिर ट्रांजिशन मेटल चलती जाएंगी कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, जिंक तक। अब इसमें पोटेशियम का साइज सबसे बड़ा है, पोटेशियम ऑप्शंस में है ही नहीं। इसके बाद कैल्शियम का साइज सबसे बड़ा है, तो कैल्शियम का साइज बड़ा है तो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। स्कैंडियम और टाइटेनियम में स्कैंडियम का साइज बड़ा है, तो फिर आंसर इसका ए बन जाएगा। ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो कलर, ये बड़ा मशहूर जमाना क्वेश्चन है। डी डी ट्रांजिशन होती हैं, इलेक्ट्रॉन डी से डी में जंप कर जाता है। 14 सेकंड सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड विद, देखिएगा डी स्टूडेंट्स, सीरीज 3B से शुरू होती हैं, 2B पे खत्म होती हैं। पहली सीरीज स्कैंडियम से शुरू जिंक पे खत्म, दूसरी गैट्रियम से शुरू कैडमियम पे खत्म, और लैंथानम से शुरू मरकरी। अब उसने सेकंड पूछी है, तो सेकंड कहां से शुरू हुई, गैड्रियम, कहां खत्म हुई, कैडमियम, तो खत्म का पूछा है, कैडमियम पर होगी 4ली। 15 IUPAC नेम, सबसे पहले लिगन का नाम देते हैं, लिगन कितने हैं, 6-hexamine। अगर सफियर के बाहर एनाइन हो तो मेटल का नाम चेंज नहीं होता, ये ऐसे ही आ जाएगा कोबाल्ट। और अमोनिया पे तो चार्ज कोई नहीं, क्लोरीन 3 है -3, कोबाल्ट पर +3 आ जाएगा, तो +3 तो सी में भी है और डी में भी है। अभी याद रखिएगा, स्फीयर के बाहर जो एनाइन्स या केटाइन्स होते हैं उनके साथ प्रीफिक्सेस नहीं लगते, यह 3 है, ट्राई क्लोराइड नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्लोराइड लिखेंगे, तो इसका आंसर डी बनेगा। 16 एलिमेंट्स इन 5F, ये स्टूडेंट्स ये एक्टिनाइड्स हैं, 4F लैंथेनाइड्स होता है और 5F एक्टिनाइड्स होता है, तो ये बीटा आंसर है। 17 आइडेंटिफाई द केटाइन विद हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतने ही ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट। सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन MN में होते हैं 5, इसका मतलब इसका मैग्नेटिक मूवमेंट सबसे ज्यादा है। निकल में 2 होते हैं, कॉपर जो है +2 है तो उसमें 1 होगा, और टाइटेनियम में भी 1 ही है, तो मैगनीज में सबसे ज्यादा है, इसका मतलब ये सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक है बीटा। 18 विच आयन हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखिए हमारे पास जिंक है और कॉपर है, जिंक का तलक 2B से और कॉपर का 1B से। अगर मैं जिंक से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो उसमें 1B पर के जैसे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि एक निकल गया 2B से। अगर मैं जिंक से 2 निकाल दूं और कॉपर से 1 निकाल दूं तब भी बराबर होंगे, क्योंकि इससे ये 1B है, 1 निकलेगा, और जिंक से 2 निकलेंगे तो बराबर आएंगे, तो इसका आंसर बीटा बन जाएगा। 19 पायरामिडल ज्योमेट्री, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ज्योमेट्रीज बताई, तो ट्राइगोनल पायरामिडल के बाद जो है वो बाय पैरामिडल जो है वो dsp3 है, तो ये आंसर बन जाएगा डेल्टा। 20% ऑफ कार्बन इन माइल्ड स्टील, ये परसेंटेज है, माइल्ड में 0.1 से
पॉइंट टू और मीडियम में पॉइंट टू से पॉइंट सेवन, हाई कार्बन स्टील पॉइंट सेवन से 1.5। तो इसका आंसर ए बनेगा। तो डियर स्टूडेंट ये सी नहीं है आंसर, यहाँ ए आंसर है पॉइंट वन से पॉइंट टू, क्योंकि उसने माइल्ड स्टील पूछा है, मीडियम नहीं पूछा। तो ये आंसर ए आएगा यहाँ पर 20 में। 21 कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल एम, सीधा सीधा चार तो अमाइन का बन जाएगा, चार अमोनिया है चार बन गया। ऑक्सलेट का कोऑर्डिनेशन नंबर टू होता है, ये देखें यहां से और यहां से, ये ऑक्सलेट ने दो जगह से कोऑर्डिनेट किया हुआ। तो इसका मतलब एक ऑक्सलेट का मतलब दो कोऑर्डिनेशन नंबर है और चार अमोनिया का छह बनेगा अल्फा। 22 प्रोटेक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम क्रियन बाय द डिके ऑफ जिंक इज कॉल्ड, डियर स्टूडेंट्स जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, ये आयरन से बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। रिजल्ट क्या निकलेगा अगर जिंक की कोटिंग कर दें तो, चूंकि जिंक रिएक्टिव है, जिंक डिके होता जाएगा, आयरन बचता रहेगा। यानी जिंक अपने आप को क्रोड कर लेगा, आयरन को बचा लेगा, सेक्रीफाइस करेगा, तो इसको सेक्रीफिशियल क्रियन कहेंगे सी। सेक्रीफिशियल क्रियन कब होती है, जब मोर रिएक्टिव मेटल कोट करते हैं लेस रिएक्टिव पे। 23 सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद K2CrO4 टू प्रोड्यूस K2Cr2O7 इन दिस रिएक्शन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम। तो जब ये सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करता है H2SO4 K2Cr4 से, तो K2Cr2O7 बनता है। तो दोनों में प्लस 6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसका मतलब है इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगी। अगर K2Cr2O7 करता तो फिर चेंज होती, फिर क्रोमियम प्लस 6 से प्लस 3 में चले जाता। लेकिन यहां पर चूंकि K2CrO4 है, K2CrO4 में प्लस 6, K2Cr2O7 में भी प्लस 6, नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट डेल्टा। 24 KMnO4 इज नॉट यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, क्यों, क्योंकि ये अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं बन सकता। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, प्लस 6 है सल्फर, वो सबसे ज्यादा है, तो वो कभी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं बन सकता। ए बन गया। 25 कलर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KMnO4, ये याद रखना आपने, इसका एक्वस सॉल्यूशन में कलर डीप पिंक होता है, लेकिन अगर सॉलिड में पूछा जाता तो फिर पर्पल कलर होता। 26 टाइटेनियम हेक्सा एक्वा जो कम्प्लेक्स है शोज वायलेट कलर बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स डेल्टा येलो लाइट। हमें कलर्स का पता कैसे चलता है, देखिएगा ये स्कीम। जैसे अगर वो येलो लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो सामने वाला कलर नजर आएगा वायलेट, ऑरेंज करेगा तो ब्लू, रेड करेगा तो ग्रीन। जो वो लाइट एब्जॉर्ब करेगा उसका सामने वाला कलर नजर आएगा। तो क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, वो कह रहा वायलेट कलर नजर आ रहा है, तो वायलेट कलर नजर आ रहा है, सामने वाला एब्जॉर्ब हुआ होगा येलो, तो येलो कलर इसका आंसर आ गया। सेंट्रल मेटल एटम अलोंग विद बाइडेंटेड लिगेंड, जब भी लिगेंड बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड हो तो किलेट्स बनते हैं, जिनमें रिंग बन जाती है, तो ये अल्फा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 निकल हैज 4s2 3d8 कॉन्फ़िगरेशन एंड ग्राउंड स्टेट, निकल 2+। अब निकल 2+ में क्या होता है, एस से दो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, पहले एस वाले इलेक्ट्रॉन निकलते हैं हमेशा, अब तो एस से दो निकल जाएंगे, बाकी डी के बच जाएंगे, डी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 8, तो ये आ गया 4s0 3d8 बीटा आंसर बन जाएगा। 29 क्रियन कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बाय चार्ली एसिड, क्यों, क्योंकि एसिड से कोट करेंगे, एसिड तो और ज्यादा क्रोड करते हैं, तो एसिड कभी भी प्रिवेंट नहीं करते, ये क्रियन को एनहांस कर देते हैं, तेज कर देते हैं, कैटलाइज कर देते हैं, तो ये बन गया कोटिंग विद एन एसिड। लास्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज यूजुअली कांस्टेंट, तो होती नहीं है, एक भी नहीं होती सिंगल, इसका मतलब है डी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स आ जाएगा, डेल्टा आंसर बन जाएगा। थैंक यू वेरी मच।